अस्सलाम वालेकुम। जैसे का टाइम था, आपको मेरे हाथ में जो दवा दिख रही है मुझे खानी है, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत चल रही है ख़राब। तो सबसे पहले खाते हैं सेरी की दवाई और इसके बाद बनाते हैं चाय। गुड़िया कर रही है सेरी, ये सुस्ती सुस्ती रहती है सेरी के अंदर, इसकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन रहती है, इसकी शक्ल भी नहीं दिखा सकते। तो अब मैंने बनाने रख दी थी चाय, तो जल्दी जल्दी हमने पी चाय। ये मैंने कप दिया सीमा को और एक कप लिया मैंने। अब उसके बाद सेरी करके नमाज़ कुरान पढ़ के हम सो जाते हैं, फिर मिलते हैं सुबह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 14 रमज़ान। बस मैं अभी जस्ट ना के आई हूँ, तो सोचा थोड़ा सा इंट्रो शूट कर लेते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ और आज क्या बनेगा खाने में और क्या होगा, जो भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज तबीयत थोड़ी अच्छी है तो थोड़ा सा शूट कर लेंगे, थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे। तो चले दिखाते हैं दानियाल को। दानियाल क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? तो दानियाल तो बोल नहीं रहा कुछ, इसलिए हम ही बोल लेते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। आजा, ये डरपोक पकड़ों से डरती है। इधर आ, इधर आ, दिखा तेरा नया फ्रॉक। हाँ, ठीक है तुम बताओ। हमने लगाई थी कपड़े धोने की मशीन, तो देखिए कितने सारे कपड़े हो गए थे। ये आज मैंने नहीं, अम्मी ने धोए हैं, फिर उसके बाद सीमा धो रही थी अपने कपड़े। मीठू, तो कपड़े धुल चुके हैं, बस हम फ्री हो चुके हैं। सो गाइस अभी पढ़ लेते हैं नमाज, उसके बाद थोड़ा सा करते हैं आराम, फिर खाना वगैरह बनाएंगे और आपसे मिलेंगे। और मैं आपको बता दूँ, आज है मंजिला रोज़ा यानी कि 14 रमज़ान। तो आप सबको मुबारक हो, हमें मुबारक हो। दुआ में याद रखना, हम भी आप लोगों को दुआ में याद रखेंगे। सो फ्रेंड, मैंने पढ़ ली है नमाज़, नमाज़ पढ़ के हो चुकी हूँ फ्री। अब थोड़ा सा काम है बाहर का, बाहर जाएंगे वो काम करेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे वापस अगेन। तो आज मैंने ये वाइट कलर की कुर्ती पहनी है, क्योंकि आज है अलविदा मंजिला रोजा, तो मैं जल्दी अलविदा मेरी माँ बन गई थी। अभी बच्चे देखो कैसे लड़ रहे, देखो इनके लड़ाई, देखो ये इनका भाई, और ये देखो ये ऐसे लड़ते रहते, इनकी लड़ाई चलती रहती है, अपन अपना दिमाग खराब नहीं करते। अरे मैंने तो चिकन के कबाब इतना बढ़िया बनाए थे। सो गाइस, हमारी होगी तैयारी स्टार्ट आज 14 रमज़ान की। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज हम मेन्यू में क्या क्या बना रहे हैं। ये मैंने कर लिए हैं आलू बॉईल, जो कि कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो चुके हैं। उधर सीमा चावलों को धो रही है। ये कीमे के लिए बना रहे हैं, सॉरी कबाब के लिए बना रहे हैं कीमा। आज ब्रेड का कुछ बनाएंगे और चले देखते हैं और क्या बन रहा है। इसमें बनेगी दम बिरयानी, इसके लिए भी हमने काट के रखा सामान, उसमें बन रहा होगा सालन, और अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड, हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। ये मैंने ब्रेड के रोल तैयार किए हैं, आज मैं बनाऊंगी ब्रेड रोल। ये देखिए, इसमें बहुत रिक्स होता है, अगर ये फट गए तेल में जाने के बाद तो मेरी मेहनत ख़राब, क्योंकि ये पानी में आगे बनाए जाते हैं। और अब करते हैं क्या काम। तो ये देखिए हमारे रोल हो रहे हैं, जब तक रोल होते हैं मैं जल्दी से जाके पढ़ लेती हूँ नमाज़, फिर आके शूट करूँ। यहाँ पे बन रही है दम बिरयानी, ये भी रोटी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर है कबाब, और ये आ गई नरगिस कुरैशी ब्लॉगर। सो गाइस, आज हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेट हो गए अजान के आवाज़ को, और मैंने किचन में रोज़ तैयार करा है, और ये भी पकौड़े मेरे बन के भी तैयार नहीं हुए हैं, बस ये जल्दी से बन जाए फिर चलते हैं। सारा काम किचन में हुआ। ये बन चुके हैं ब्रेड पकौड़े, जैसे तैसे बने लेके चलते हैं। ये नलके हमने फ्राई कर लिए, जल्दी से चलते हैं, मैंने अभी दस्तरखान पे भी नहीं रही हूँ। पापा को दे भिजा दिया ऐसा की, मैंने कह दी थी पापा आ रहे नीचे। अरे सो हो गया है रोज़ा खोलने के बाद फ्री, चाय भी पी ली। अभी ये दवाई का टाइम, हम दवाई खाते हैं, सब घर में कर रहे हैं चर्चा बातें हंसी मजाक। देखो मैंने लाइट लगाई है आज, मतलब लगा तो कब के लिए थी, आज चालू करिए।
सो आज मैं इसके साथ वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। बकरा बकरी सब बोल रहे हैं, मैंने अभी लाइट इसलिए जला दी क्योंकि बाहर है ना, बाहर की जो सरकारी लाइट है ना हमारी, वो बंद है। और कैसी लग रही है आपको प्लीज़ बताना।